सत श्री अकाल एंड हेलो टू एवरीवन जी। वेल, एक बहुत फेमस कहावत और सेइंग है कि समटाइम्स यू डोंट चूज योर ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन चूजेस यू। एक वो जिंदगी दे सिचुएशन होती है जब तुसी एक प्लानिंग करते हो, प्लानिंग सिरे नहीं चढ़ती एंड थोनू दूसरी ऑप्शन मिलती है, उदो आप कहने रब जो करता बहुत वधिया करता एंड वी स्टार्ट लिविंग विद इट। कुछ देर बाद, कुछ साल बाद, कुछ महीनों बाद सानू वो चीज़ जड़ी है वो अपनी लगनी शुरू होंदी एंड असं शुक्र करते हैं उस परमात्मा दा। सानू पहली चीज़ जड़ी असी प्लानिंग की थी, नहीं मिली, आज जड़ी आ चीज़ हाथ है, इन्हें सानू बहुत तरक्कियां देतियां। वैल, यह जी एक एदा मॉडिफिकेशन तुहाडे नाल अज गल करन जा रहे। समटाइम यू डोंट चूज योर डेस्टिनेशन कंट्री एंड द डेस्टिनेशन कंट्री चूजेज यू। मैं गल कर रहा उन्हां बच्चों की जिहड़े कैनेडा दे विच एक बार, दो बार और मल्टीपल टाइम रिफ्यूज़ हो चुके ने, जिन्हां दा पहला प्यार कैनेडा सी जान दा, पर किसी कारण एक बार दो बार कोई भी कारण तो उन्हां दा वीज़ा नहीं लग पाया। अज उह सोचदे हुण सैकेंड बेस्ट ऑप्शन की लिती जावे, क्योंकि एक आयल्स दी ना एक्सपायरेशन डेट दा एक टिक टिक क्लॉक हुंदा है दो साल दा। तुसीं पीटी कीता, आयल्स कीता, दो साल दे विच उह एक्सपायर हो जाना। हुण उह क्लॉक नूं देखदे होए बच्चा कहिंदा चल यार छड्ड, घरदिआं नाल गल करके जिथे निकल सकदे उत्थे निकलीए, एंड किते ना किते वह सैकेंड थर्ड ऑप्शन चूज करनी शुरू कर लैंदा हैगा। उदों बाद आंदा ऑस्ट्रेलिया दा ऑप्शन जी। ऑस्ट्रेलिया ठीक है जी, 2020 पास आउट हैगे हो या 21 पास आउट हो, ऑस्ट्रेलिया भी अप्लाई कर सकते हो, पर बहुत सारा बच्चा कैनेडा दे विच इस टाइम ते 2019 पास आउट वाला बैठा। 19 पास आउट करके आयल्स कर लिया, 1.5 आए, दोबारा कर लिया, पीटी कर ली, हर पास्यों कोशिश मार के देख ली, पर कैनेडा दा वीज़ा नहीं लग्या। द सैकेंड बेस्ट कंट्री उन्हां वास्ते इज़ द यूके। यूके स्टूडेंट वीज़ा प्रोफाइल 2018-19 च वापस आनी शुरू हुई। प्रोफाइलां यूके लै लैंदा सीगा, ऑस्ट्रेलिया इन पिक्चर नहीं सीगा उस टाइम ते, कैनेडा स्लो सीगा, बट हौली हौली यूके ने अपनी पॉलिसीज़, अपनी जिहड़ी पॉलिसी सीगियां रिगार्डिंग वर्क परमिट, स्पाउसिस नूं लैके और पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा ऑप्शन बड़ी ट्रांसपेरेंट करनियां शुरू करतियां, मूहरे रखनियां शुरू करतियां हरेक उस बच्चे दे, ताकि उन्हें डे वन तो क्लैरिटी होवे दैट जे यूके पढ़न जा रहा उन्हें की मिलेगा तो की नहीं मिलेगा आफ्टर पढ़ाई। इक्को सवाल आंदा सीगा PR, हुण PR दी पॉलिसीज किवें उत्थे जाके सैटल होनियां ने, यूके ने उहदा भी जवाब दिता जद उन्हें GSR इंट्रोड्यूस किया सीगा। उस टाइम तो स्किल्ड वर्किंग राउट भी लैके आए, 25,600 की नौकरी लै लें हो उस फील्ड दे विच, एक साल या दो साल काम कर लें हो, थोड़े PR दे राह खुल जाते हैं। हाँ, थोड़ा थोनों इन्हें R&D करनी पैनी है UKVI की वैबसाइट पर जाके, उन्होंने एक एक ऑक्यूपेशन लिखा होया कि तनखा मिलेगी या ऑनगोइंग रेट कि है, ऑनगोइंग थोड़ा वेज कितना हैगा उस पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन का, प्लस उस तो अगे किवें जाओगे। अगेन अज यूके Tier 4 चो निकल के टैक्नीकल हुंदा जा रहा फॉर Step 2। Step 2 तो मेरा मतलब है स्टूडेंट वीज़े तो बाद वाला। स्टूडेंट वीज़ा अज भी बड़ा सिंपल है, 28 दिन पुराना फंड दिखाओ, आयल्स तो PT तुहाडे बैन होन, विदाउट आयल्स करना है जे तुहाडा इंटरव्यू पास होना चाहिए, फीस देनी है, फीस दे के कैश लैके तुसीं अंबैसी जाना है, सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पर Step 2 दे विच तुहानू ओ कंसल्टेंट चाहिए जिहड़ा टैक्नीकली तुहानू सपोर्ट कर सके लॉ दे नाल नाल चलन वास्ते। इह जे बहुत सारे यूके नू लैके मिथ होने ने, क्योंकि यूके अज तुहानू चूज़ कर रहा है, कैनेडा दा वीज़ा ना लगन करके तुसीं सैकेंड ऑप्शन देखते पए हो, बट जे थोड़े जे इनफॉर्मेशन दे नाल यूके नू अपना के तुसीं ऑस्ट्रेलिया या कैनेडा मंगो, इहदी रोड मैप बनवा लोगे ना पहले दिन तो अपने कंसल्टेंट तो, ते आई एम श्योर तुहाडी PR भी कितने दूर नहीं हैगी जे एज लॉन्ग एज तुसीं ओह रोड ते चलोगे। इह जे कोई भी सवाल तुहाडे दिमाग च आंदे रिगार्डिंग योर ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन, अपनी क्वेरीज दे नाल तुहाडे कोल रिफ्यूजल लैटर्स हैं कैनेडा दे, तुहाडे कोल ऑस्ट्रेलिया दा रिफ्यूजल है, गेट ए डिटेल काउंसलिंग फॉर योर फ्यूचर प्लानिंग, नॉट जस्ट द स्टूडेंट वीज़ा फ्रॉम माई सेल्फ। तुहानूं मिलन नूं बड़ा लुक फॉरवर्ड करदा पिया मैं, तुहाडे सवालों के जवाब नूं बड़ा लुक फॉरवर्ड करदा पिया मैं, ते अपनी अपॉइंटमेंट अज ही बुक कराओ 9490 4190 ते कॉल करके।